नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंट जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। आगे हम वेबसाइट ssapunjab.org। दोस्तों, जो एग्ज़ाम होने हैं मास्टर कैडर के, जो 20 जून को होंगे और 21 जून को होंगे, तो उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में बताएंगे आपको कैसे डाउनलोड करना। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट पर आ गए तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे आ जाना है आपको, ठीक है। नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे रिक्रूटमेंट ओपन हो जाएंगी। जो वैकेंसी निकली थी रिक्रूटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट मास्टर कैडर बैकलॉग 41493 और 899, तो इन एकेडमी कार्ड जारी कर दिए। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एडमिट कार्ड फॉर मास्टर कैडर रिक्रूटमेंट 15 जून का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना, लॉगिन कर देना है, तो अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।